केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना की जांच के लिए खराब रैपिड टेस्टिंग किट वापस भेजी जाएंगी। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब रिजल्ट की शिकायत के बाद केंद्र ने ऐसी किट लौटाने का फैसला किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब किट के एवज में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत इसको रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश में कहाँ पर बीमारी है, कहाँ पर हमारा दुश्मन है, किस इलाके में वो कितना एक्टिव है उसकी हमारे पास संपूर्ण जानकारी है सारे देश के पास। और हमको अब तक ये भी पता लग गया है कि उस दुश्मन से निपटने के लिए उस क्षेत्र में हमको क्या क्या करना है। सारे देश को हमने उन ज़िलों में बांटा है जहाँ कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहाँ 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ की 1-2-3 केसेस हैं। तमिलनाडु में मदुरई में ई पास हासिल करने के लिए लोगों की भीड़ जब जिला अधिकारी के दफ्तर पर पहुंची तो डरावना मंजर सामने आया। यहां अपने अपने वाहनों के लिए लोग ई पास हासिल करने वालों की भीड़ में उमड़ पड़े। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी कि केवल पास वाले वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा था, लेकिन इन तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। जिला अधिकारी के दफ्तर में करीब 300 से ज़्यादा लोगों की भीड़ पास लेने के लिए इकट्ठा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो देखिए, मदुरई में ई पास लेने के लिए भारी भीड़ जमा हुई क्योंकि ये कहा गया कि अगर किसी के पास ये पास नहीं होगा तो उसे इधर से उधर वाहनों के जरिए नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से DM दफ्तर के बाहर 300 के करीब लोग एकत्रित हो गए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ एक लोगों ने ज़रूर मास्क पहने थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे।